नमस्कार दोस्तों। अरे नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, कार्तिक आर्यन का नाम मौजूदा समय में आने वाली मूवी चंदू चैंपियन को लेकर काफी चर्चा में बना हुआ है। भूलभुलैया 2 के बाद दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले कलाकार कार्तिक आर्यन बीते समय में चंदू चैंपियन मूवी में धूम मचाएंगे। इस मूवी का डायरेक्शन सलमान खान की सुपरहिट फिल्म एकता टाइगर और बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान संभालेंगे। इस मूवी के जरिए कार्तिक आर्यन कबीर खान के संग पहली बार काम करेंगे। दोस्तों, मूवी में कार्तिक आर्यन की प्रेमिका या सेटिंग होगी श्रद्धा कपूर, जिन्हें होल ही में तू झूठी में मक्कार में देखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कबीर खान और साजिद नाडियाडवाला लीडिंग लेडी के तलाश कर रहे थे और उनकी तलाश श्रद्धा कपूर पर जाकर खत्म हुई है। कार्तिक आर्यन और श्रद्धा कपूर अगर मूवी चंदू चैंपियन में साथ काम करते हैं तो ऑडियंस को एक फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि इससे पहले कार्तिक आर्यन और श्रद्धा कपूर की मूवी तू झूठी में मक्कार में कैमियो करते देखे जा चुके हैं। मूवी में कार्तिक श्रद्धा कपूर के नकली बॉयफ्रेंड का किरदार निभाया था। चंदू चैंपियन एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी होगी। मूवी को लेकर सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक मूवी चीजों के दृष्टिकोण से एक स्पोर्ट ड्रामा है, लेकिन इसमें कई ऐसे फैक्टर हैं जिनके लिए अच्छे VFX और समय की जरूरत है। इसके लिए कबीर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अच्छा समय रखेंगे। बताया जा रहा है कि ये मूवी उनके करियर में मील का पत्थर साबित होगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मूवी में कार्तिक आर्यन मूवी की शूटिंग को लेकर जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। मूवी में उन्होंने मुरलीकांत पटेकर का रोल निभाते दिखाया जाएगा। कार्तिक ने एक प्लेयर के रियल लाइफ को दिखाने के लिए तगड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। कार्तिक आर्यन उर्फ मुरलीकांत पटेकर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता, 1972 में जर्मनी के हिडेलबर्ग में समर पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग कॉम्पिटिशन में और 33.33 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। मुरलीकांत भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्रॉप में क्राफ्ट्समैन रैंक के जवान थे। खास बात यह है कि 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में उन्हें गोली भी लगी थी। दोस्तों, इस मूवी को 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। कुछ दिनों पहले कार्तिक आर्यन ने मूवी से रिलेटेड एक पोस्टर अपने दर्शकों के साथ साझा किया था और कार्तिक आर्यन ने पोस्ट में लिखा था कि 8 मिनट लंबा वॉर सीन का यह सिंगल शॉट मेरी एक्टिंग का सबसे चैलेंजिंग, शानदार और कठिन लेकिन सबसे यादगार शॉट साबित हुआ है। जिंदगी भर याद रखने लायक मेमोरी देने के लिए कबीर खान का धन्यवाद। दोस्तों, जब इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन से पूछा गया कि आप चंदू चैंपियन के लिए किस हद तक मेहनत कर रहे हो तो उनका जवाब आया कि मैं नहीं बताऊंगा। मतलब कि ये नहीं था, कुछ अलग ही था उनका। उनका कहना था कि चंदू चैंपियन को लेकर मुझे अपनी फिटनेस में काफी बदलाव करना पड़ा। आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी दैनिक दिनचर्या में पूरा बदलाव कर दिया था। तो कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था जिसमें वो मूवी के डायरेक्टर कबीर खान के साथ रसमलाई खाते नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि करीब 1 साल बाद मैंने मिठाई का स्वाद लिया है और ये स्वाद किसी जीत से कम नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कार्तिक आर्यन और श्रद्धा कपूर का रोमांस मूवी में काम कर पाएगा? समझ रहे हो ना? उल्टा मत समझो यार, मैं तो केवल आपका फीडबैक पाना चाहता हूँ। दोस्तों, इन दोनों को मिलकर मूवी को हिट बनाना है। मुझे अपने घर जाना है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सॉरी, मतलब थोड़ी कॉमेडी होनी चाहिए यार, वरना आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे। ओ भाई, मारो मुझे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये सब चलता है तो यार, एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी, VFX का हाई उपयोग, जाने माने डायरेक्टर और अभिनेताओं की इस मूवी का कलेक्शन ग्राफ किस लेवल तक जाता है, ये जानने के लिए मैं तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। नहीं यार, मैं सच बता रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप बता दो कि आपको कितना इंतजार है, कमेंट में बताओ एक बार, देखता हूँ आप कितनी बड़ी बड़ी फेंकते हो। दोस्तों, इसी के साथ ही कार्तिक आर्यन की आने वाली मूवी आशिकी 3 और भूलभुलैया 3 है। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में हिट मशीन के नाम से भी मशहूर है। एक से बढ़कर एक मूवी देने वाले अभिनेता अब फिल्म आशिकी 3 से दर्शकों के दिलों को धड़काने के लिए तैयार है और इस मूवी में उनके साथ तृप्ति डिमरी रोमांस करते नजर आएगी। वही भूलभुलैया 3 जो 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसे अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे। भूलभुलैया 2 में धूम मचाने के बाद अब कार्तिक आर्यन भूलभुलैया 3 में धूम मचाएंगे। आप भी ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी मूवी का इंतजार है और अगर आप सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग मूवी रोबोट 3.0 की रिलीज डेट के साथ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह आपको मिल जाएगी। और अजय देवगन की मूवी शैतान के 5 ऐसे कारण जिससे ये मूवी हिट होगी, उन्हें जानने के लिए आप नीचे वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, इसकी भी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो थैंक्स वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।